तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ एक और नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं एक और अपडेट बताने वाला हूँ। सैमसंग गुड लक ऐप में एक और नया अपडेट आया है। नया अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और क्या इस अपडेट के बाद होने वाला, सब आपको बता दूँ। जैसा कि एक चीज़ बताऊँ कि इस अपडेट के बाद आपके जितने भी गुड लक के मॉड्यूल्स हैं ना, उसमें धीरे धीरे सब में अपडेट आना चालू हो जाएंगे और नए अपडेट्स के नए नए फीचर्स उसमें ऐड ऑन होंगे। फिलहाल अभी सबसे पहले गुड लक वाली ऐप का अपडेट आया है, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती रहे और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुड लक ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे, गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको नया एक अपडेट मिल रहा होगा गुड लक ऐप का। आप देखेंगे आपको ये मिल रहा है नया अपडेट यहाँ पर। तो इस नए अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले बता दूँ, इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 29 अप्रैल, मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर है 2.2.0.4.95, जिसका साइज है 11.63 MB का। तो इस अपडेट में क्या क्या है, इस अपडेट में फिक्स द लॉजिक ऑफ ओवर प्लगइन एप्स इंस्टॉलेशन एंड डिलीटेशन। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी ऐप्स को इंस्टॉल करने में या डिलीट करने में, तो उसके यहाँ पर इशू को सॉल्यूशन किया गया है और एक सिक्योरिटी इशू भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो ओवरऑल अच्छा अपडेट है, आपको करना चाहिए और अपडेट करना भी है। अपडेट करने के बाद इसको पहले तो अपडेट होने देते हैं। फाइनली दोस्तों हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अपडेट करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर ये लुक मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर गुड लक ट्रेस। ट्रेस के अंदर जो भी नया अपडेट्स होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, सब आपको यहाँ पर करके बता, यहाँ पर आपको बताया जाता है पहले ही द प्रोग्रेस स्टेटस ऑफ दिस दिस टिप्स, आपको सब यहाँ पर आपको देता रहता है। अब यहाँ पर आप बात करें मेकअप्स में, मेकअप्स में जो भी आपकी पुरानी ऐप्स है, जो भी अपडेटेड है या फिर अपडेट आने वाला है, सब आपको यह दिख जाएगा। लाइफ अप में जाएंगे तो भी ये सब यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि इस अपडेट में कोई नया चेंजेस नहीं किया गया और मैं बार बार इसी चीज़ की वीडियो क्यों बना देता हूँ। भाई एक चीज़ बता दूँ, गुड लक ऐप मतलब कस्टमाइजेशन के लिए ऐप है और मोबाइल कस्टमाइज़ करने के लिए आपको इन सभी ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि गुड लक मॉड्यूल के थ्रू ही काम करती हैं। तो आपको एक एक ऐप को अपडेट करने से पहले गुड लक वाली ऐप को अपडेट रखेंगे, तभी आपको नए अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और कुछ इश्यूज होंगे तो ये रेक्टिफिकेशन भी करता है, रेक्टिफाई भी करता है। लाइक मान लो आपने लॉक स्क्रीन पे आपने वो लगा के रखा हुआ है, लॉक स्क्रीन पे लॉक स्टार के थ्रू आपने इसको लगा के रखा है, इसमें कुछ बग्स है, उसको फिक्सेस कौन करेगा, गुड लक वाला ऐप वाला। ऐसे ही अगर आपने होम स्क्रीन में कुछ कस्टमाइजेशन करके रखा है, उसमें कुछ इश्यूज है, तो वो कौन फिक्स करेगा, वो भी वही फिक्स करेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, सब इसी के अंदर। लाइक आपने नाइट शॉट, जैसा कि मैंने ये लगा के रखा हुआ है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, इससे स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं, और भी बहुत सारे टास्क ऐसे करने हो तो मैं इसके थ्रू कर लेता हूँ। तो वो सब कहाँ मिलता है आपको, सब इसी के थ्रू सपोर्ट, जैसा कि आपने ये खोल लिया तो सब आपको इसी के थ्रू सपोर्ट से मिलते हैं। अगर आपने इसको सही नहीं किया, इसको अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स आती रहे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको इसको अपडेट करना चाहिए। और ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू बताना है तो मैं इसके खास खास फीचर बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो फीचर मिलेगा खास, उसके लिए मैं आपको मेकअप में आ जाऊँ। मेकअप में आने के बाद आपको जाना है वंडरलैंड में। वंडरलैंड में आने के बाद आपको यहाँ पर 3D इफेक्ट्स या मूविंग अपने वॉलपेपर बना सकते हैं, अपनी फ़ोटो का वॉलपेपर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लगता है यार। इससे आप अमेजिंग वॉलपेपर सेशन क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्ट्स डालना हो, आप अपने इफेक्ट्स डाल के भी यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ को या फ़ोटोज़ को आप लगा सकते हैं, वीडियोज़ के फॉर्म में भी आप यहाँ पर लगा पाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये मेरी फ़ोटो है, बट ये वॉलपेपर में लगाऊंगा तो वीडियोज़ की फॉर्म में ये वर्क करेगा, आप देख सकते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब आपको वंडरलैंड के अंदर मिलता है। ऐसी बैक आएँ लॉक स्टार के अंदर, लॉक स्टार से आप अपने पूरे लॉक स्टार को डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं, एड ऑन AOD वाली की स्क्रीन को भी की कैफे में आए, जो कि बहुत शानदार फीचर है। इससे आप बहुत ही अमेजिंग अपने कीबोर्ड की अच्छी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि लाइक आप देखें इसमें बहुत सारे साइंटिफिक सिंबलिंग मैथमेटिक सब कैलकुलेट आपको मिल जाएंगे, इसके हिसाब से आपको चाहिए वो कर सकते हैं। अब अपने इसको कीबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है, आप देख रहे होंगे ये कस्टमाइज़ कर रखा है। तो सब ये पूरा इसी के थ्रू होता है। तो इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड भी हैं, आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप खुद बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेव स्टार की,
ये नैव स्टार तब काम करेगा जब आप वहाँ पर नेविगेशन वाले जो वो होते हैं ना वो यूज़ कर रहे हो, कीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे काम का नहीं है। उसके बाद आता है होम अप जो कि बहुत शानदार है, इससे आप अपने होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लूप डिवाइस लूप। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अभी आप देखेंगे अभी मैं होम पेज पे हूँ, आपको दिख रहा होगा मैं होम पेज पे हूँ, और अब मैं अब स्वैप भी करते जाऊँगा ना वापस मैं होम पेज पे भी आ सकता हूँ, नहीं आ रहा हूँ तो आप यहाँ पर जाके होम स्क्रीन पे जाके इसको लूप पेजेस को ऑन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रोटेट होता रहेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इसी के थ्रू काम करती है, आपको इसको ऑन कर लेना है जैसा कि आपको दिखता जाएगा, और लूप पेजेस भी आपको वहाँ पर सिमुलेशन करके बताएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। बैकग्राउंड ब्लर होता है जो फोटोज़ का, वो हटाना हो तो वो भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं होम स्क्रीन के अंदर। फोल्डर्स को कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी होम वाले में फोल्डर को कस्टमाइजेशन होता है, उसका पॉपअप स्टाइल, उसका कलर एंड देन सब कुछ आप यहाँ पर ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें क्लॉक फेसेस, आप अपने मोबाइल में क्लॉक लगाना चाहते हैं अच्छे डिज़ाइन का, तो आप क्लॉक फेस का यूज़ करते करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में या कहीं भी क्लॉक नॉर्मल क्लॉक को भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल मिल जाएगी, बाकी आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। उसके बाद क्योंकि स्टार कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। एज लाइटिंग, लाइटिंग के थ्रू आप अपने मोबाइल को लाइटिंग का इफेक्ट्स डाल सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद बात करें लाइफ अप में सबसे अच्छा नाइट शॉट के अंदर आप वीडियोस को रिकॉर्ड मतलब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए ये काम आता है, और इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए। नोटिस स्टार मतलब आप नोटिफिकेशन को स्टोर करके रख सकते हैं और जिसको बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके का है। नाइस स्केच ये भी बहुत अच्छा है, इसमें जितनी भी सेटिंग्स आप चेंज करेंगे सब आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर बताता रहेगा कब हुआ चेंज, क्या हुआ, सारी सेटिंग्स आपको बताएगा और कौन कौन सी सेटिंग चेंज करना है, और आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ना ये भी पूरा होम स्क्रीन के थ्रू ही आ रहा है, मतलब ये भी गुडलक ऐप के थ्रू ही ऐसा इफेक्ट्स आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर रूटीन प्लस, यहाँ पर जाएंगे वन हैंड प्लस जो कि मेरा बहुत ही फेवरेटेड है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक एक नेविगेशन पे अपना वो लगा सकते हैं, फीचर को यूज़ कर सकते हैं कि मैं जब यूँ करूँ तो ऐसा हो, यूँ करूँ तो वैसा हो, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट यही लगता है। उसके बाद बैक आएंगे रूटीन प्लस, यहाँ पर अपने हिसाब से रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अपने मोबाइल को बहुत ही हाई लेवल तक परफॉर्मेंस तक ला सकते हैं। उसके बाद मल्टी स्टार मतलब मल्टी अगर आपको यूज़ करना हो, स्प्लिट स्क्रीन, पॉपअप स्क्रीन, जो भी चीज़ आप यूज़ करना हो सब आप इसके थ्रू कस्टमाइजेशन करके यूज़ कर पाएंगे। देन कैमरा असिस्टेंट, कैमरा सेटिंग के लिए जो कि कोई खास नहीं है। उसके बाद आता है रेगी स्टार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप रेगी स्टार से पूरे अपने मोबाइल की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग्स को अबव नीचे जो सेटिंग आपको इंपॉर्टेंट चाहिए वो ऊपर कर सकते हैं, और सबसे अच्छा फीचर इसका बैक टैप, आप बैक टैप से यहाँ पर उसको अच्छा फीचर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं भाई बैक टैप दबाऊंगा, 3 बार दबाऊंगा और यहाँ स्क्रीनशॉट आ जाएगा 1 2 3। आप देखेंगे ट्रिपल टैप दबाया और वो स्क्रीनशॉट आ गया, तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है। और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फिलहाल यही है। और लास्ट फीचर है यहाँ पर साउंड असिस्टेंट, और साउंड असिस्टेंट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इससे साउंड को आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था और यही फीचर्स होते हैं गुडलक ऐप के, जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना, और मुझे व्हाट्सअप पे मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे। इतना सब्सक्राइब कर ही लोगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू सो मच।